हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल आइडिया। स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं घर पर ही होममेड पीवीसी पाइप से किचन में यूज होने वाला ब्लेंडर कैसे बनाएं। हमने ब्लेंडर कंप्लीट पोजीशन में रखा है, यह कैसे वर्क करता है वो हम आपको दिखाते हैं। इसको चलाने के लिए हमको एक AC-DC एडाप्टर का जरूरत है, वो पहले से ही मतलब 230 वोल्ट में दिया हुआ है। अभी वो आउटपुट में मतलब के 12 वोल्ट दिखाता है या नहीं वो हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को हम DC-20 पे सेट करते हैं और टेस्ट प्रो को रेड को मतलब के इंटरनल साइड में और ब्लैक को बाहर की साइड में लगाते हैं और देखते हैं कि वो आउटपुट वोल्ट हमको कितना दे रहा है। तो वो हमको ऑलमोस्ट 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है DC। अब इसको हम मतलब मिल्क में यूज करके आपको दिखलाते हैं। ये रहा ब्लेंडर, ये इनका इनपुट सप्लाई देने का सॉकेट है और ये रहा मतलब 12 वोल्ट वाला पिन। इनको हम दोनों को मेल फीमेल को जॉइंट करते हैं। जैसे ही मतलब इसको हम जॉइंट किया तो ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास मतलब कि एक मिल्क लिया हुआ है, फिर भी हम इसको हम ऑन करके एक ऑन पोजीशन में आपको दिखाते हैं। ये ऑन हुआ तो ये घूमना स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा मतलब इनको हम मिल्क में चला के भी दिखाते हैं। तो हमने मिल्क लिया हुआ ये पास में लेते हैं और देखते हैं कि मिल्क में ये कैसे वर्क करता है। फिर से मैं ये इनको ऑन कर रहा हूँ। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये मिल्क में कैसे वर्क करता है। अभी मैं इनको बंद करके थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये बनाने का मतलब ये हुआ कि इसमें 12 वोल्ट DC रहने से इसको मतलब शॉक लगने का जो चांसेस रहता है वो करीब 99% कम हो जाता है, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट ही रहते हैं इसलिए। और इसमें दूसरा फायदा ये रहता है कि बिजली की बचत भी आपकी होती है, क्योंकि ये 12 वोल्ट से चलता है तो वो आपको फायदा है। आपने देखा हमारा होममेड ब्लेंडर मिल्क में अच्छी तरह वर्क करा था। अब हम आपको इनकी इंटरनल सिस्टम समझाएंगे। ये बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत होती है और वो कौन कौन से पार्ट आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगे वो हम आपको बताएंगे। आपने देखा कि होममेड ब्लेंडर बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत होती है, वो कौन कौन से पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर पहले ये टाइट बॉन्ड का दो ट्यूब मेरे पास है, दोनों मतलब के सेम 50-50% लेके इसको अच्छी तरह मिला के यहाँ पे हमने जॉइंट लगा हुआ था ये फिक्स करने के लिए। उसके बाद इधर से हेक्सो ब्लेड से कट करके पूरे राउंड में इसको हमने अलग किया। अलग करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को किससे जोड़ा हुआ है। ये जोड़ने के लिए आपको ऐसा वाला कपलिंग चाहिए, ये आप देख रहे हो। ये कपलिंग है वो आपको ऐसे डेड इंची पाइप के एंड कवर पे लगता है। जिस जगह पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे आप मतलब सुराग कर सकते हैं चार जगहों पे। बाद में इसमें दिखाए हुए मेटल स्क्रू से आप इसको जोड़ सकते हो। जैसे कि इसको मैंने ईंट के ऊपर रखा और यहाँ मतलब के चार सुराग बना दिए और बीच में जो सुराग बनेगा वो थोड़ा मोटा बनेगा। इसमें हमारा DC मोटर मतलब ये वाला DC मोटर फिट होगा। इसे सुराग बन जाने के बाद ये DC मोटर है इसमें लग जाएगा। इसके बाद की बात करूं तो इसमें
ये ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है वो भी मतलब कि आपको ये दिखाई दे रहा है ऑन ऑफ स्विच। इसमें दो वायर भी लगे हुए हैं, इनको इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। इसके बाद में ये सॉकेट है 12 वोल्ट का इनपुट पावर देने के लिए, ये सॉकेट इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा। इसको भी मतलब साइड में कर देता हूँ और ये मशीन में इस जगह पे लगता है, दोनों को मैच करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको ऐसा मतलब पाइप के एंड पे लगने वाला इनका भी जरूरत पड़ेगा, ये दोनों पास में रख के आपको बताता हूँ, हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे की साइड करें तो ऑन ऑफ स्विच भी लगा हुआ है और ये 12 वोल्ट का एडाप्टर भी लगा हुआ है। इसमें मैंने कटिंग करके ये बनाया हुआ है, तो इसको हम ये सॉकेट बिठाने के लिए यहाँ छोटा सा मतलब के नट रहता है, इसको हम खोल के इस जगह पे ऐसे मतलब करके हम इनको बिठा सकते हैं। देख लेंगे अब ये बैठ गया। अब ये स्विच बिठाने के लिए आपको ये दो होल करने की जरूरत रहती है, उसको हम ये सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन को हम गर्म करके ऐसे हम कर सकते हैं। वो करने के बाद इसको मतलब हल्का हल्का ऐसे कट से स्क्वायर मतलब के खांचा जिसको बोलते हैं वो हम निकाल सकते हैं और उस जगह पे ये ऑन ऑफ स्विच जो है दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगा। अभी आपको बतला देता हूँ। हाँ हो गया, देखो ये हो गया। अब इनको थोड़ा सा मतलब के इसका और पीछे का ढक्कन खोल के भी आपको इसका वायरिंग का सिस्टम दिखाता हूँ। ये जो पीवीसी पाइप है 1.5 इंच का, इसको इसके अंदर में ये मोटर बिठाने के लिए दोनों मतलब देखा जाए तो एक ही साइज का है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मतलब इसको कट करने का रहता है। वो आप किसी भी मतलब के लेथ वाले के पास या कोई वर्कशॉप में जाके मतलब के 25-50 रुपये में वो आपको ये मोटर इसमें बैठ जाए ऐसा करके दे देगा। ये मोटर इसमें बैठ गया। अब इसका वायरिंग का बात करें तो ये इनपुट सॉकेट है, उसमें से जो रेड वाला वायर निकलता है वो मोटर में जाता है, उसके बाद जो स्विच में से ग्रीन वाला वायर निकलता है, ये रहा ग्रीन वाला वायर, ये ब्लू के साथ जॉइंट होता है। वैसे तो इसमें दो ही वायर आते हैं, दो वायर मोटर के रहते हैं, दो वायर इनके हो गए और दो वायर हो गए ऑन ऑफ के। अगर आप मतलब के कोई गलती से भी उल्टा सुल्टा मतलब के वायरिंग कर देते हो तो इसका घूमने का पोजीशन है वो मतलब चेंज होएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वायर फिर मतलब एक दूसरे से अलग करना है। ये वीडियो मतलब के आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे एक थोड़ा गुजारिश करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को बेल आइकन जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।